हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही नया और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसको हम बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उस पर मैं 2 कप लूँगी आटा। तो ये कप डालिए और ये दूसरा कप। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, ये मैंने नमक डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो इसके बाद हम लेंगे जो बची हुई दाल होती है, उसे फेंकने की बजाय हम इसको आटे में मिक्स करके बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे। एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी है। तो इसको दाल को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे, इसको गूंध लेंगे हम। तो जितनी भी दाल है गाइस, इसको सबको डाल लेना है, जितना आपको नीड लगता है डालनी चाहिए। तो ये देखो, मैंने दाल से ही आटा गूंधा, यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से गूंध हो रहा है, तो काफ़ी हद तक ये स्मूथ हो चुका है, तो आप देख सकते हो इसको। तो इसको मैं 1 या 2 मिनट तक और करूँगी इसको। तो इसमें हो चुका है ये, तो यहाँ मैं लूँगी थोड़ा सा पानी, जिससे इसका फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आ जाएगा, तो इससे फ्रेश भी रहता है। तो इसको साइड पे रखते हैं। तो हम अब बॉइल कर लेते हैं सोयाबीन। तो इसको मैं गर्म पानी में डाल चुकी हूँ। तो इसको गर्म पानी में डालने के बाद इसको ज़्यादा टाइम बॉइल नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट तक बॉइल करना है। आप देख सकते हो गर्म पानी में मैं डाल दिया है इसको, तो ये अब बॉइल हो चुका है। तो हम यहाँ इसको रख लेते हैं साइड पे। तो यहाँ हम ऑयल ले लेते हैं, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, सरसों का घी या कुछ भी है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाला है, करीब 2 स्पून है। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ टमाटर, इसमें मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, ना जीरा ना प्याज, कुछ नहीं। हम गर्म ऑयल में डायरेक्ट मैं मटर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारे टमाटर भुन चुके हैं, तो देख सकते हो काफ़ी हद तक इसका फ्लेवर आ चुका है, कलर चेंज हो चुका है इसका। तो देख सकते हो इसको हम 1 या 2 मिनट और पका लेते हैं। तो ये पक चुका है, 1 या 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने जो बॉयल की थी उसका पानी अच्छे से निकाल दिया है, तो देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। तो आप इसको तोड़ के लेना है, साफ पूरा पीस नहीं लेना है, इसको आप हाथ से तोड़ सकते हो, 3 या 4 पीस कर सकते हो। तो यहाँ हम इसको डाल दिया है मैंने यहाँ पे, तो इसको हम कर लेते हैं मिक्स। 1 या 2 मिनट तक इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे, इसी पे भूनेंगे थोड़ा सा, मतलब जो भी पानी होगा वो सूख जाएगा। तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे थोड़े से मसाले। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं 1 मिनट तक। तो देख सकते हो ये भुन हो रहा है मीठी से आग पे। चलो यहाँ पे हम करते हैं मसाले ऐड। ये गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैगी मसाला। आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो, पाव भाजी या गरम मसाला कुछ भी। तो यहाँ मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ टमाटो सॉस, जिससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं ओरिगैनो, और इसके बाद चिली फ्लेक ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी आपके घर में मसाले हों आप वही यूज़ करें। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये काफ़ी हद तक भून हो चुका है, करीब इसको भूनते 1 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अनियन, कैप्सिकम और ये हरा धनिया। इसको गाइस हमने फ्राई करके या भून के नहीं लिया है, बिकॉज़ इसको हमें क्रंची सा फ्लेवर देना है। तो यहाँ इसको हम इसको भूनने के बाद इसको 1 मिनट ऐसे ही इसमें सोयाबीन में मिक्स करके 2 मिनट तक भून लेंगे। इसको पहले नहीं करना है, अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो गाइस, जो जो मैंने चीज़ें ली हैं उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वो ही पूरी चीज़ें लें, तो इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो देख सकते हो, तो हम यहाँ पे अब बनाते हैं। देख सकते हो पानी डाला, तो पानी मैंने निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने 2 पेड़े बना रखे हैं, वैसे लड्डू की टाइप के। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको पेड़ा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा चकले पे लगा कर, तो यहाँ पे मैं बेल लेती हूँ इसको। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है, देख सकते हो ये मैंने बेल दिया है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब
क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ हमारी रोटी गोल हो चुकी है, तो बेल दिया है मैंने। इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ऑयल मैं लगा रही हूँ यहाँ पे सरसों का, तो देख सकते हो सरसों का तेल लग चुका है। तो इसके बाद हम देंगे इसके बीच में कट, थोड़ा सा कट देना है बीच में। तो इसको हम कर लेंगे ऐसे फोल्ड, देख सकते हो। फोल्ड करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी लेयर आती है कट बट की, तो देख सकते हो। फिर मैंने इसको पेड़ा बना लिया है इसका, तो इसको थोड़ा सा आटे में कर लेंगे। तो हमने इसका पेड़ा बना चुके हैं, तो यहाँ हम बेल लेते हैं इसको रोटी को। तो देख सकते हो मैंने इसको बेल लिया है, तो बेलने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लेवर आया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको घर में एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो देख सकते हो मैंने इसको कर लिया है। तो हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, मैं घी का प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी रोटी बन गई है। तो इसको हम रखेंगे तवे पर, तो इसको गाइस तवे पर अच्छी तरह से पकाना है, जब तक थोड़ा थोड़ा फूलने ना लग जाए। बिल्कुल अच्छे से पकाना है इसको, दोनों साइड को अच्छे से इसको पकाना है। तो देख सकते हो इसको बनाने में गाइस कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आप की रात की बची हुई दाल हो या कुछ भी, कोई भी वेजिटेबल हो, आप इसमें डाल के आटे में गूंद ले, तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ मैंने दोनों साइड पका लिए हैं। तो यहाँ मैं सॉस लगा रही हूँ टोमेटो केचप, आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं टोमेटो केचप ले रही हूँ, इसको चम्मच से अच्छे से फैला लेंगे हम। तो देख सकते हो मैंने लगा दिया है पूरे कटोरी पे। तो इसके बाद मैं वो सोयाबीन का जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो इस पर अब हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गाइस आपको कोई कंजूसी नहीं करनी, इसको भर के डालना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, ये क्या 2 मिनट में बन जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से फिल कर दिया है, तो ये फिल हो चुका है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चीज़, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो बच्चे चीज़ बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप बिना चीज़ को भी इसको बना सकते हैं। तो देख सकते हो ये कितना देखने में कितना यम्मी लग रहा है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। मतलब आपके रात की रोटी बची हो उस पर भी आप ऐसे इसको बना सकते हो, उस पर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो ये जो हमने पेस्ट बनाया है सोयाबीन का, इसको 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये कहीं नहीं जाता। फ्रिज में आप ढक के रख दीजिए, तो जब भी आपका मन करे आप निकाल के बना के खा लो। तो देख सकते हो ये पक चुका है अच्छे से, तो इसका बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आएगा। तो देखिए अच्छा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने को। तो आप जब भी मन करे कुछ अलग खाने का तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही इजी और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है ये। तो देख सकते हो ये बन चुका है हमारा, बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं इसको निकाल लेती हूँ ट्रे में, तो मैंने इसको निकाल लिया है ट्रे में। और हम दूसरी रोटी को बनाएंगे, सेम उसका भी ऐसे प्रोसेस है। तो दोनों को हमें दोनों साइड सेकना है, अच्छे से सेकना है जब तक पक नहीं जाता है। तो इसको एक साइड अच्छे से पक्का होना चाहिए। तो देख सकते हो ये पक चुका है, तो यहाँ मैं बनाऊंगी बिना सॉस, बिना किसी और चीज़ के। तो देखिए, तो यहाँ मैं इसको सॉसिंग की फिलिंग कर रही हूँ। ऐसे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास कोई सॉस नहीं है इसका ये मतलब नहीं आप बना नहीं सकते हो। तो अगर आपके पास घर में कुछ भी अवेलेबल हो, अगर नहीं भी हो तो भी आप इसको बिना सॉस के बना सकते हो। तो ये मैं आपको बिना सॉस के बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं लगा दिए थे, साइड पे लगा रही हूँ घी ताकि नीचे से थोड़ा क्रंची हो जाए। तो देख सकते हो मैंने साइड पे घी लगा दिया है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए पका कर और इसको फोल्ड कर देंगे, सम सेकंड के लिए पकाना है। तो इसको हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से ऐसे। तो देख सकते हो बच्चे इसको बहुत ही चाव से खाएंगे, अगर आप उनको बना के देंगे तो। तो टिफिन में भी आप रख सकते हो, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो आप एक बार घर में इसको गाइस जरूर ट्राई करना। तो देख सकते हो इसका लुक, ये एक साइड से कितना अच्छा पक चुका है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है।
अगर आप एक बार बनाओगे तो बार बार मांगोगे इस रेसिपी को। तो ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो यहाँ मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं दिखा सकती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है, देख सकते हो। वाह, तोड़ते ही पानी आ गया ना मुँह में, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसको आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।